กรุณากลับไปยังที่นั่งของท่านเมื่อมีสัญญาณแจ้งรถถึงटेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है तो जहाज रुक गया है। हम लोग टेक ऑफ करने लगे थे और जैसे ही रनवे पे मुड़ने लगे diagnosed a problem, he stated waiting time of 45 minutes from now. Update, we are about to refill, which will be taking place shortly. Refilling now and you are allowed to use the toilets. Thank you. Now ready for departure.मेरे पीछे जो आपके स्ट्रीट्स पे या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के पास ऑफिसेज के पास ये टेंपल्स देखते हैं छोटे छोटे रास्ते में, इसका सिग्निफिकेंस ये है। पुरुषों के घर में भी अगर आप विलेज साइड पे चले जाएं या यहाँ पे भी अगर लोगों के घरों में चले जाएं तो एक इन्होंने एस्टैब्लिश किया होता है एक मंदिर, और ये लोग बिलीव करते हैं कि जो गोस्ट हैं और जो इनके एंसेस्टर की स्पिरिट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ पे। कुछ भी सही हो कुछ भी गलत हो तो ये समझते हैं कि जो हुआ है स्पिरिट की मर्जी से हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी उनके एंसेस्टर की स्पिरिट्स हैं, ये होस्ट है, उनके लिए एक डेडिकेटेड प्लेस हम बनाएं जो यहाँ पे आराम से रहें, खुशी से रहें, और यहाँ पे कुछ भी चढ़ाते हैं ये लोग, कुछ भी जो भी आपकी क्षमता है वो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हो, पैसे हो, कोई खाने की चीज़ हो, कुछ भी हो। स्वागत है जी आप लोगों का एक और वीडियो में। तो मेरी जो थाईलैंड की जर्नी है वो कम्प्लीट हुई है और मैं जा रहा हूँ छोड़ के बैंकॉक वापस स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। इस वीडियो में आप देखेंगे मेरी जर्नी फ्रॉम थाईलैंड टू इंडिया, कैसा एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस रहता है डिपार्चर टर्मिनल का, वो मैं आपको दिखाने लगा इस वीडियो में। हम पहुंच गए एयरपोर्ट, बोल टैक्सी मैंने की थी, इसमें इसने एडिशनली 25 भाट लिए टोल के लिए, क्योंकि टोल आता रास्ते में जब सिटी आप क्रॉस करने लगते हैं, और लगभग जो है वही 32 किलोमीटर सिटी से पड़ता है एयरपोर्ट। तो हम पहुंच गए अब सीधा एयरपोर्ट, अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या हालात है मौजूदा। अब जैसे ही मैं अंदर एंटर करता हूँ तो मुझे राइट लेना है अगर इंटरनेशनल चेक इन करने हैं, और डोमेस्टिक के लिए आप लेफ्ट जाते हैं। क्वाइट अ बिजी एयरपोर्ट, आप देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पे। अब मैं खड़ा हूँ एस पे, एस रो पे, पर यू रो जो है वहाँ से आप वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं जैसे आप एंटर करते हैं। इंटरनेशनल चेक इन के लिए आप राइट लेते हैं और सीधा लास्ट के अंदर वैट रिफंड के काउंटर जो है बने हुए हैं, और पीछे आप देख सकते हैं ये जो लंबी लाइन है सारी वैट रिफंड के लिए है, क्योंकि काफी टूरिस्ट आ रहा है थाईलैंड में। एस पे खड़ा था, मुझे जाना है जी एच रो पे, वहाँ पे था ये इसके काउंटर्स हैं और लगभग 21 काउंटर्स हैं ये जितना मुझे पता लगा है। मैं वेब चेक इन में प्रेफर नहीं करता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपको एडिशनली सीट्स वगैरह चाहिए, विंडो सीट चाहिए, कुछ भी चाहिए प्रेफरेंस, वो कम मिलती है वेब चेक इन में, मैंने देखा है। आप मैनुअली जाके मांगते तो आपका काम हो जाता है। लेट्स गो। तो जी ऐसा है कि चेक इन भी हो गया है, आप जा रहे हैं हम सीधा ऊपर, आप देख सकते हैं कि एस्केलेटर्स निकल रहे हैं, तो वहाँ होगा हमारा इमिग्रेशन और कस्टम्स। तो अभी फटाफट से वहाँ चलते हैं और आपको बताते हैं वहाँ क्या हालात हैं। मैं आपको बताता हूँ अपना कस्टम और इमिग्रेशन यहाँ पे बैंकॉक एयरपोर्ट पे। इससे पहले आप ये पीछे एक खूबसूरत नज़ारा देखें, समुद्र मंथन को जो है डिपेक्ट करता है, और मतलब कि भगवानों को लगा कि उन्हें असुरों की ज़रूरत है समुद्र से अमृत निकालने की,
इफ आई एम राइट, ठीक है, मेरी थोड़ी हिस्ट्री कमजोर है। तो भाई जैसे आप सोनभूमि में एंटर करते हैं, चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक फ्लोर ऊपर जाके, जैसे मैं गया आपको दिखाया, आना होता है और पहले आपके कस्टम्स होता है, इमिग्रेशन बाद में होता है। कुछ एयरपोर्ट्स पे इमिग्रेशन पहले होता है, कस्टम्स बाद में होता है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम काफ़ी अच्छा है। कस्टम्स में आप जाते हैं तो जैसे आप पहले एंटर करते हैं कस्टम्स में, तो आपको एक मशीन पूरी स्कैन करती है, एक डोर बना हुआ है, उस पर जाके आप बीच में खड़े हो जाते हैं और आपकी पूरी बॉडी स्कैन होती है ऑटोमेटिकली। उसके बाद मैनुअल चेकिंग होती है आपकी, जो मेटल डिटेक्टर होता है उसे मैनुअल चेकिंग बाद में होती है। इसके बाद आप जाते हैं बिल्कुल कस्टम्स के बाद इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन में आपको पता है कि TM6 फॉर्म हटा दिया था, तो उन्होंने कुछ देखा नहीं, पासपोर्ट स्कैन किया मेरा, दोबारा से बायोमेट्रिक प्रिंट लिए और मुझे जाने दिया। तो अब हम आ गए ड्यूटी फ्री के पास, और इस बार जो है हम ड्यूटी फ्री का एक्सपीरियंस देखने जा रहे हैं कि ड्यूटी फ्री कैसा लगता है यहाँ का और बेस्ट रेट्स क्या आपको मिल सकते हैं कहीं पे, वो देखते हैं मेरे साथ। लेट्स गो। सबसे टॉप नंबर पे है किंग पावर। रॉयल सल्यूट 7800 थाई बाट, 21 इयर्स ओल्ड। Teachers 740 baht, famous gross 920 baht, grants 750 baht, cooper dog 1500 baht, 1600 baht, कितने 1000 ml, ये 1000 ml की bottles है जो आप देख रहे हैं। दीवार 3350 high baht, 16 years aged, और दीवार 18 years एजेट 4320, 1250 दीवार 12 इयर्स ओल्ड, रेड लेबल एज ऑलवेज 820 भाट, 1250 की ब्लैक लेबल है, गोल्ड रिजर्व 2205 भाट, जॉनी वॉकर 2950, 18 इयर्स एजेट, ब्लू लेबल 12900 भाट, 2 लीटर ब्लैक लेबल 2105 बाट की है, और 2950 की 3 बॉटल्स हैं। इंडिया के केस में आप 2 बॉटल्स लेके जा सकते हैं। जॉनी वॉकर ब्लैक 1250, ब्लैक लेबल ट्रिपल कास्क एडिशन ये है 1700 बाट के, डबल ब्लैक 1600 बाट, जैक डेनियल्स रेगुलर जो स्टफ होता है 2330 बाट की 2 बॉटल्स, और टेनेसी विस्की 1530, आई थिंक ये है स्ट्रेट राय विस्की 1450, सिंगल मॉल्ट इसका जो है वो है 3720, जेंटलमैन जैक 1750, और ये मेरी फेवरेट विस्की है संतूरी, तो इसकी प्राइस यहाँ पे नहीं दी है, मुझे नहीं दिखी, पर नीचे टोकी दी हुई है जैसे कि 1670 भाट, नीचे है प्लम लिकर 1880 भाट, जेमसन 1580 भाट, आईपी एडिशन, ट्रिपल जेमसन 1580 भाट, 1670 भाट ब्लैक बैरल। आप बताओ कौन सी लें आज। आज मुझे मन कर रहा है टोकी संतूरी विस्की लेने का, 1670 भाट की, रीजनेबल भी है। जिम बीम 1310 भाट, 1010 भाट, 1950 की बॉम्बे सफायर जो रेगुलर ड्रिंक है, और आई थिंक ये कोई फ्लेवर्ड वर्जन है, स्पेशल एडिशन इन्फ्यूज्ड फ्लेवर्स, राइट, ओके। शिवास रिगल 1200 भाट की, 1250 की जॉनी वॉकर, 2100 भाट की शिवास रिगल 2 बॉटल्स, हेनेसी 11800 भाट, वाह 13900 भाट, मोन्ताओ मोताई 1300-1900 भाट, वाह मोताई, शिवास रिगल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की 1600 थाई भाट, वेलेंटीन 1500 थाई भाट,
यू कैन बाय सिविनियर्स एज वेल, तो बैग्स की प्राइसेस भी यहाँ पे दी हुई है। तो किंग पावर का क्या है कि इनके लेगर टबैको के अलग सेक्शंस बने हुए, परफ्यूम्स कॉस्मेटिक्स के, लाइफस्टाइल के अलग बने हुए। लेट्स चेक द प्राइसेस ऑन दिस साइड ऑफ किंग पावर। तो अगर आपने चॉकलेट्स खानी है तो एनी टू पीसेस डिस्काउंट फॉर 25%। चॉकलेट्स पे 1000 baht की 3 pieces ले सकते हैं आप इनके। बार्स एनी 2 pieces डिस्काउंट 25%। फ्यूम्स देखें आप यहाँ पे तो 1320 baht, 1140 baht सस्ते रेंजेस में, और 3480 baht की कॉस्मेटिक क्रीम्स। परफ्यूम्स हैं जैसे कि डेविडॉफ देखें आप 2890 का, और 5000-6000 के रेंज में भी परफ्यूम्स हैं यहाँ पे। अब मैं जैसे सीधा बढ़ रहा हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि अभी मैं आगे जाके दिखाता हूँ, तो वहाँ पे वैट रिफंड के काउंटर्स बने जहाँ से आपको क्लेम देना होता है, आपको रिफंड मिलता है। दूसरा जो पॉपुलर है काउंटर यहाँ पे ड्यूटी फ्री पे, वो है मेमोरीज ऑफ थाईलैंड, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो अगर आपने एंटीक या सुविनर्स लेने हैं तो आप यहाँ पे आएँ। जैसे कि स्टोल है 390 baht का है, और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। मेरे पीछे जिम थॉम्सन, ये बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, किंग पावर का ही पार्ट है ये, और टच ऑफ थाईलैंड। तो सिविनियर्स वगैरह या आपने कुछ कपड़े बैग्स वगैरह लेने हैं रीजनेबल प्राइसेस में, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग के लिए कनेक्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बहुत पॉपुलर है। और बूट्स खासकर बहुत फेमस है, अगर कॉस्मेटिक्स या मेडिकेटेड चीज़ें आपको चाहिए तो यू शुड एक्सप्लोर दिस वन एट सोन भूमि एयरपोर्ट। फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है तो जहाज़ रुक गया है। हम लोग टेक ऑफ करने लगे थे और जैसे ही रनवे पे उड़ने लगे तो फ्लाइट के कंट्रोल्स फेल हुए। अभी 1 घंटे की वेटिंग है यहाँ पे, दे आर ट्राइंग टू रिपेयर इट। अगर नहीं है तो देखते हैं कि उसके बाद इनकी सर्विस कैसी रहती है आगे। और क्योंकि अभी प्लेन टारमैक तो वापस आ गया है रिपेयरिंग के लिए, तो अभी ये पानी की बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। Stay to waiting time of 45 minutes from now to correct the problem. And at the meantime, the fasten seatbelt sign is still on, which indicates all passenger has to take the seats for safety reasons. Thank you. Update, we are about to refill, which will be taking place shortly. At that time, I'd like all of you to remain seated and refrain from using the toilets for safety. Thank you. We're refilling now and you're allowed to use the toilets. Thank you for your patience and understanding. Now the problem is fixed right now and we are now ready for departure.